13 मई 1962 देश के दो बार के उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। एक शिक्षक के तौर पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में ख्याति हासिल की थी। राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। उस वक्त वो साहित्य के नोबेल प्राइज के लिए 16 बार और शांति के नोबेल प्राइज के लिए 11 बार नामांकित हो चुके थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के कुछ ही दिनों के बाद छात्रों का एक समूह उनके पास पहुंचा। उनसे मनुहार की कि 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक जलसा करने का मौका मिले। डॉक्टर राधाकृष्णन नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि अगर वो उनके जन्मदिन पर कुछ खास करना ही चाहते हैं तो फिर वो देश के सभी शिक्षकों का सम्मान करें और इसके लिए वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मना सकते हैं। तभी से देश हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद जब पंडित नेहरू ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनने का फैसला किया तो कांग्रेस के साथ ही तब के विपक्ष के नेता भी हैरत में पड़ गए। डॉक्टर राधाकृष्णन तब भारत के साथ ही दुनिया भर के अकादमिक जगत के बड़े नाम थे और वो उस वक्त सोवियत यूनियन में भारत के राजदूत हुआ करते थे। लेकिन नेहरू ने फैसला कर लिया था तो वो बदला नहीं जा सकता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने। इस कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तबीयत थोड़ी नासाज सी रहने लगी थी। जनवरी 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी तबीयत को देखते हुए नेहरू के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन तब पंडित नेहरू ने कहा कि आप कार्यकाल पूरा कर लीजिए, अगला कार्यकाल किसी और को दे देंगे। राजेंद्र प्रसाद तब मान गए। तब पंडित नेहरू के पास मौका था कि 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में वो अपनी पसंद से उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनवा दें, लेकिन बाजी पलट गई। 1955 में ही इस्तीफा देने को तैयार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से राष्ट्रपति बनने को तैयार हो गए। नेहरू के न चाहते हुए भी कांग्रेस के एक बड़े धड़े और मौलाना आजाद जैसे कद्दावर नेता ने राजेंद्र प्रसाद का समर्थन कर दिया। इससे उस वक्त के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन नाराज हो गए और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश शुरू कर दी। फिर शुरू हुई मान मनोबल। कहा गया कि राजेंद्र प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो बीच में भी इस्तीफा दे सकते हैं और तब डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ऐसी ही बात कही थी, लेकिन अंत में 1962 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बन पाए थे। बात 2021 की हो या 1952 की, जब राज्यसभा में बहस होती थी तो बेहद गर्मागर्म होती थी और राज्यसभा के सभापति के नाते जब डॉक्टर राधाकृष्णन सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे होते थे तो सांसदों के झगड़े को शांत करने के लिए वो या तो वेद पुराण से संस्कृत का कोई श्लोक बोलकर सांसदों को चुप करवाते थे या फिर वो बाइबल से उद्धरण देकर अपने सांसदों को शांत करवाते थे। हिंदू धर्म और वेद वेदांत को लेकर जितनी समझ उनके पास थी उतनी ही समझ उनके पास पश्चिम के दर्शन को लेकर भी थी। यही वजह थी कि 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन का लेक्चर अमेरिकी अखबार की सुर्खियां बन गया था और लोग हैरत में पड़ गए थे कि भारत के एक दार्शनिक को पश्चिम की कितनी गहरी समझ है। वो कितने बेहतर शिक्षक थे इसका अंदाजा 1921 के एक वाकये से लगाया जा सकता है। 1921 में वो महाराजा कॉलेज मैसूर को छोड़कर कलकत्ता जा रहे थे। तब मैसूर के छात्रों ने एक बग्घी को फूलों से सजाया, उस पर अपने टीचर डॉक्टर राधाकृष्णन को बिठाया और घोड़ों की जगह खुद बग्घी खींची और रेलवे स्टेशन तक खींच कर ले गए। ये छात्रों का अपने शिक्षक को सम्मान देने का अपना तरीका था। वो इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 3-3 प्रधानमंत्रियों और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है। 1962 में जब वो राष्ट्रपति बने तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनकी मौत के बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। ताशकंद में उनकी भी मौत हो गई और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल देखा, जिनसे हुए एक छोटे से झगड़े की वजह से वो दोबारा 1967 में राष्ट्रपति
नहीं बन पाए। डॉक्टर राधाकृष्णन इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में भारत को पहले 1962 में चीन से जंग लड़नी पड़ी और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग करनी पड़ी। जाते जाते आपको डॉक्टर राधाकृष्णन का क्रिकेट से भी रिश्ता बता देते हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और क्रिकेट की दुनिया में कलाइयों के जादूगर कहे जाने वाले VVS लक्ष्मण सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू हैं।